हेलो दोस्तों, एक और जर्नी स्टार्ट करते हुए। एज यूजुअल आ गए हैं नोएडा से बाहर सेक्टर 62 की तरफ से। और ये किसी का टेम्पो हो गया ही खराब। पहुंच गए हैं जी कुंडली टोल प्लाजा, पहुंच गए हैं जी अम्बाला। और सुबह के हुए हैं 3:48। जलंधर अभी बचा है 20-22 किलोमीटर के आसपास। यहाँ से जो पठानकोट है वो 70 किलोमीटर रह गए। रोड की कंडीशन तो बहुत अच्छी है। अभी सुबह के 9:30 बज रहे। जम्मू रह गया है 160, पठानकोट 50 किलोमीटर, श्रीनगर 400। ये पठानकोट रह गया है 6 किलोमीटर और पहाड़ हो गए हैं स्टार्ट। जो है जो स्टैंडर्ड जो गेज की ट्रेन होती है, जो बड़ी नॉर्मल ट्रेन होती है दिल्ली से आती है, वो आती है पठानकोट तक। और पठानकोट के बाद में जो है कांगड़ा तक, धर्मशाला से थोड़ा पहले कांगड़ा तक जो है टॉय ट्रेन बन के जाती है। यहाँ से पठानकोट से जो स्मॉल गेज कहते हैं, जो नैरो गेज कहते हैं, वो वाली ट्रेन बन के जाती है यहाँ से। ये राइट वाला रास्ता जो है धर्मशाला को जाता है और लेफ्ट वाला चंबा की तरफ जाता है। हमारी अचानक ही बन गई। कल बस ऐसे ही छुट्टी थी, एक हम में से एक की छुट्टी थी और मुझे काम करना था, तो ऐसे ही सोचा कि चलो एक एक कहीं ट्रिप करते हैं। तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें कहाँ जाएं। तो ये बहुत लंबी मोस्ट अवेटेड एक ट्रिप थी, काफ़ी लंबे टाइम से बकेट लिस्ट में थी, 3 साल के आसपास। तो बार बार सोच रहे थे अभी जाएं अभी जाएं। वो छुट्टी का ना, ये वाली ट्रिप करने के लिए आपको कम से कम 4 दिन तो कम से कम आपको चाहिए, मिनिमम 4 डेज। अब वो हो नहीं पा रहा था, कभी कुछ काम कभी कुछ काम, वो टाइम छुट्टियां ऐसे मिल नहीं रही, हो नहीं पा रही थी कि 4 दिन एक साथ छुट्टियां हो जाएं। तो हमने फिर आज सोचा कि चलो जैसे भी है, थोड़ा शेड्यूल टाइट है और टाइट शेड्यूल में ही करके देखते हैं। और जहाँ तक कि मुझे आइडिया है तो हो जाएगा, हम कर लेंगे। हमने पहले भी ऐसे ही काफ़ी सारे ट्रिप किए हैं जो वीकेंड्स में किए हैं और बहुत लंबे लंबे होते हैं। एक बार हम केलुंग से, केलुंग जो कि बहुत दूर है मनाली क्रॉस करने के बाद, और उस टाइम पे अटल टनल नहीं बनी थी, तब सिर्फ जो है क्या कहते हैं रोहतांग पास होकर के जाया जाता था। तो हमने केलुंग से हम निकले थे और रोहतांग पास क्रॉस करते हुए और फिर हम अपने घर तक 800 कुछ किलोमीटर का वो रास्ता था, हमने एक ही दिन में कवर किया था अपनी बाइक पे। उस टाइम जो हमारे पास बाइक थी वो थी बजाज की V15। मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा ये टफ होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी तक का जो सबसे टफ मैंने जो पैच क्लियर किया है, जो रास्ता मैंने कवर किया है, वो वही था 800 कुछ किलोमीटर। प्लेन्स में आप 1500, 1200, 1200, 1200 ये आराम से आप कर सकते हो, मतलब 1000 से लेकर के 1500 के बीच में आप प्लेन में एक दिन में कर सकते हो। लेकिन 50% माउंटेन्स हो और 50% प्लेन हो ना, वो बहुत मुश्किल होता है। तो वो 800 किलोमीटर हमने लगभग 22 घंटे में कवर किए थे। तो उसको देखते हुए मेरे को था कि नहीं हम कर पाएंगे, एक फीलिंग थी। तो हम बस निकल पड़े आज रात को 12 बजे, हम घर से निकले हैं 11:30-12 के आसपास हम घर से निकले हैं।
जो है खजियार जो है 12 किलोमीटर के आसपास बचा है यहाँ से, और जो व्यू है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है रोड पे ना, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, इन्जॉय करो व्यू। ड्राइव करने के बाद में ना अब ना तो थकान महसूस हो रही है बिल्कुल भी, ये व्यू देख के ना बहुत ही बढ़िया जगह है भाई। अब रोड थोड़ी सी नैरो है पर मजा आ रहा है यार, मैं 100% मजा आ रहा है। बस जो लोग बाइक चलाना पसंद ज्यादा करते हैं ना उनके लिए, जैसे कि मैं, मेरी मजबूरी आजकल मैं गाड़ी थोड़ा यूज कर रहा हूँ, वरना ये जगह ना सिर्फ बाइक से देखने वाली है, बाइक चलाने वाले के लिए ना जन्नत है ये, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर कोई भी बाइक राइडर यहाँ आए बाइक के साथ में और जन्नत ना गए ना, अरे वाह यार क्या एक्सप्लेन, कैसे एक्सप्लेन किया जाए इसको, इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना चेहरे पे साइड से, भाई कितना अच्छा लग रहा है। इसीलिए पहाड़ ना मेरे हमेशा से फेवरेट है, पहाड़ों में तो जब दिल करे आ जाओ, मन भरता ही नहीं है। इस महीने में तीसरी ट्रिप है और बुलेट हो और फ्री फ्लो साइलेंसर के साथ हो और धीरे धीरे यहाँ पे चल रहा है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा बस एक ही मन कर रहा है कि मैं दोबारा से आऊँ, एक बार फिर से आऊँ और इस बार फिर से बाइक से आऊँ। मन भर नहीं रहा है गाड़ी में, एक बार फिर आना पड़ेगा यहाँ पे। भाई साहब क्या जगह है यार ये, जबरदस्त रोड सीनरी भाई साहब, क्या कमाल पैसा वसूल जिसे कहते हैं ना, मतलब बोनस डबल बोनस। जिसे कहते हैं ना नेचर बेस्ट, ये वही है नेचर का ना बेस्ट पार्ट है ये। समझ नहीं आ रहा है कि कहां की तो वीडियो बनाऊं और कहां की ना बनाऊं, ऐसा मन कर रहा है सब कुछ कैप्चर कर लूं, जितना भी दिख रहा है सब कैप्चर कर लूं। इतना खूबसूरत ये एरिया है ना और ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना, मन कर रहा है बस सारा कैप्चर करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। बहुत सारी छुट्टियां हो, कोई कुछ खास काम ना हो और बस, और ये रोड का भी खत्म ना हो और गाड़ी में पेट्रोल भी खत्म ना हो और बस चलते जाए चलते जाए, और रास्ते में बस छोले भटूरे मिल जाए, जबरदस्त व्यू एकदम। हाँ यार वो सेक्टर 18 वाले ना, नोएडा सेक्टर 18 वाले टी के मोमो मिल जाए, चिकन वाले वो भी, भाई साहब क्या फिर तो बात ही है, फिर तो बस यही जन्नत है। सही बात है यार, अगर वैसे तो देखो हमने तो जन्नत देखी नहीं है ठीक है जी, और वैसे भी पता नहीं हम तो वैसे भी जन्नत पता था हमें शायद ना मिले, पर मेरे हिसाब से अगर जन्नत कहीं है ना तो यही है भाई, पहाड़ों में ही जन्नत है। मैंने सोचा भी नहीं था मतलब कि ये इतना खूबसूरत जगह होगी, मैंने बिल्कुल नहीं सोची थी, मेरे दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं था ये।
पहुंचने ही वाले हैं हम उस जगह पे, खजियार अभी बताया है कि आसपास ही है। और भाई साहब व्यू तो मतलब मैं बोल के तो मैं बयान ही कर ही नहीं सकता भाई साहब, ऐसा व्यू है। हाँ जी, तो हम लोग पहुंच गए हैं खजियार और ये आपके सामने व्यू है। और कैमरे के ना लेंस पे लग गया था हाथ, तो इसीलिए ना क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो गई है। बाकी ये जगह बहुत मस्त है, मतलब कई जगह मैंने सुना भी है इसके बारे में कि मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोलते हैं। पता नहीं, वैसे तो इंडिया में बहुत सारी जगह हैं जिन्हें मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं, जैसे ओली को भी बोलते हैं, चोपटा को भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं वैसे तो। और घास का बहुत बड़ा मैदान है, ये खुला एरिया है, पर मतलब ठीक है, आराम से टाइम स्पेंड करने के लिए बढ़िया है। और जब यहाँ पे स्नो होती होगी ना उस टाइम पे, मैदान तो स्नो तो देखी नहीं यहाँ पे, बट होती होगी तो अमेजिंग व्यू बनता होगा फिर एकदम से ना। तो फैमिली के साथ में पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया है। हमारा तो खैर मेन पर्पस जो है साच पास करने का था, बट यहाँ भी आप आराम से स्टे कर सकते हैं। खैर हम लोग अभी यहाँ स्टे नहीं करेंगे, हम लोग निकल रहे हैं क्या कहते हैं आपका, यहाँ से और थोड़ा आगे चंबा है, चंबा में रात को स्टे करेंगे और वहाँ से सिर्फ सीधे जो है साच पास होते हुए मनाली की तरफ निकल जाएंगे। बाकी व्यू अच्छा है, आप लोग आ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घूमते रहिए, और चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।